रोहन आप नीचे क्या कर रहे थे? I'm so happy, I'm so excited. रोहन, why are you so happy? We are making Play-Doh. Yes, we are making Play-Doh with the help of our mama. Before we start our video, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. So let's start. चले, मम्मा आ गई है हमारी हेल्प के लिए और मम्मा हमें इंग्रेडिएंट्स देती जाएंगी और हम मिक्स करते जाएंगे. बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये प्लेडो बनती है. ठीक है, आप लोगों के बाउल जो है मैंने अलग अलग जो दिए हैं उसमें 1 कप जो है रूहान आपके बाउल में मैंने फ्लावर डाला है और 1 कप रेयन आपके बाउल में डाल दिया है. ठीक है, और ये है मेजरिंग साइज़ जो है उसके हिसाब से जो है हमने मेजर करके जो है ये फ्लावर ऐड कर दिया है. अब इसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप वाटर. ठीक है, हाफ कप वाटर लेंगे हम और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल. ठीक है, अब हमें पहले जो भी कलर यूज़ करना है उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे. ठीक है, दिस कलर इज रेड. यस, रेड कलर हम पहले ऐड कर रहे हैं इसके अंदर. मम्मा कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रुअफ़ज़ा है. हाँ, बिल्कुल रुअफ़ज़ा का कलर लग रहा है. और ये है थोड़ा सा, हमने इसमें ये ऐड कर लिया. ठीक है, जब तक के अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, इसके साथ हम यूज़ करेंगे इसके अंदर जो हमने अभी फ्लावर ऐड किया है ना आपके बाउल के अंदर, उसके अंदर हम ले लेंगे मज़ीद 1/4 कप सॉल्ट. टेबल सॉल्ट जो होता है 1/4 कप, ये मेजरिंग साइज़ है इसका. और मैं 1/4 कप जो है रूहान आपके उसमें ऐड कर देती हूँ. ठीक है, पहले ओके और 1/4 कप लेवल जो है रेयन आपके बाउल. ओके ठीक है, तो अब जो है हम इसको ये वाला जो है हम अब रेयान आप ये उठाइए और रूहान के बोल में इसको ऐड कीजिए कलर को. ओके, डाई उठाइए, इसको आप रूहान के बाउल में डाल दीजिए. अम्मा पूरा? जी पूरा डाल दीजिए. यस, गुड. अब रूहान आप इसको स्पून से मिक्स कीजिए आहिस्ता आहिस्ता. गुड जॉब. यस, ठीक है ना मम्मा? जी ठीक कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. और मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही मिक्स कीजिए, फिर मैं इसको और मज़ीद थोड़ा सा, अगर हमें वाटर कम लगेगा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा. ठीक है, आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर मैं इसमें जो हूँ इसको जो है मैं अच्छी तरह पर नीट कर दूँगी. लाइए, अब आप मुझे दीजिए, मैं इसको नीट करती हूँ. रेयान आपकी डो में जो हम डिफरेंट कलर डालेंगे, लाइक जैसे भी हमने रूहान की उसमें रेड फूड कलर थोड़ा कम डाला था, थोड़ा सा पिंक सा शेड आएगा उसका, तो अब हम ग्रीन कलर आपके इसमें डालते हैं. ठीक है, हमारे पास ग्रीन कलर है फूड कलर, तो अब हम वो इसमें ऐड करेंगे. सो लेकिन उससे पहले हम जो है क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे. वाटर के अंदर जो जैसे अभी हमने रूहान की डो बनाई थी कि हम पहले वाटर लेंगे. कितना लेंगे हम वाटर? 1/2 कप. ठीक है, 1/2 कप हम वाटर लेंगे. ओके, इसके अंदर हम मज़ीद अब और क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल. ये हमने मिक्स कर दिया. ठीक है, और इसके अंदर हम और क्या ऐड करेंगे? ग्रीन फूड कलर. तो रेयान, ये आप मुझे बॉटल खोल के दिखा दीजिए प्लीज़ ज़रा. जी ठीक है, अब हम इसके अंदर रेड ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड करें. जी अम्मा, ग्रीन कलर डाल रही हैं.
इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। हमारा ये ग्रीन कलर क्योंकि बिल्कुल एंड पे था तो इसका कलर इतना नहीं आ रहा है। चलो इसको यूटिलाइज कर लूँ। ओके जी अम्मा डाल रही हैं ये ग्रीन कलर, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ठीक है ओके। ये कितना हाफ कप हमारा वाटर था। ठीक है अब रैयान अब आप इसको उसको स्पून से मिक्स कीजिए फिर जो है। ओके अम्मा मुझे दीजिएगा फिर मैं मीट कर लूँगी। ओके ये देखिए मैंने इसको इतना कर लिया कि ये थिक सी बॉल सी बन गई है इसकी। अब इसको हम अच्छी तरीके से काउंटर पे निकाल के नीट करेंगे। ठीक है रोहन आप करेंगे? जी करिए। ये रे अम्मा रेन आपने करने जी। ठीक है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर दोबारा इसको हल्का सा नीट करेंगे। आप ये देखें रोहन टच करके देखें कितनी सॉफ्ट है ये। वाओ सॉफ्ट है ना। सॉफ्ट भी है। यस सॉफ्ट क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज़ किया है ना इसकी वजह से जो है ये सॉफ्ट भी है और अच्छी भी है। तो इसमें जो है ऑयल जो है कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हमने कुकिंग ऑयल यूज़ किया था। रूहान आप अपना वाला वो लेकर आइए प्ले डो जो अभी हमने रेडी किया है। बोल लेकर आइए। ये रूहान का रेडी हो गया है प्ले डो का। थोड़ा सा अगर लगे कि वो जो है ड्राई हो रहा है हल्का सा ऑयल लगाएंगे इस पर हल्का सा बिल्कुल हल्का सा फिर इसको हम हीट कर लेंगे। अच्छा ये जो है प्ले डो जो है ऑलमोस्ट जो है आप इसको 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है और इसको हम किस में रखेंगे बच्चों? जिप लॉक बैग्स। जिप लॉक बैग्स में इसको हम एयर टाइट बैग जो होते हैं उसमें करके हम रखेंगे तो ये आपके 1 मंथ तक ऑलमोस्ट चल जाएंगे। लेकिन अगर फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड आपको कोई डो बनानी है कि आप ज़्यादा अरसे तक यूज़ कर सकें तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होगा? हमें क्रीम ऑफ टार्टर चाहिए होगी 1 टेबल स्पून जो हम इसमें जब हम ये इसका मैदा जो होता है जो हम सारी चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं उसके साथ ऐड कर लेंगे तो फिर हमारी डो जो है काफ़ी अरसे तक जो है चल सकती है। ठीक है ओके ये देखिए चलें बच्चों अपनी अपनी डोज जो हैं जो अभी आपने प्रिपेयर की हैं वो अपने से प्लॉक बैग्स में डालिए। ठीक है ओके उठाइए इसमें से निकालें रूहान। यस उसको टाइट करके बंद कीजिए। यस ठीक है वहाँ अब आप डालिए। ठीक है अब इसको आप चाहें तो पंच कर सकते हैं ऊपर से। ओके ठीक है नाउ योर डो इज रेडी। मज़ा आया आप लोगों को आज? बहुत मज़ा आया। ठीक है अब आप इससे जो दिल चाहे बना सकते हैं आराम से। इट डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन कि आप क्या बना रहे हैं है ना। प्ले डो तो बहुत फन एक्टिविटीज़ आप उससे कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर।